पार्टी ने संविधान के तहत जहां अधिकार का समानता है वहीं अधिकार के साथ साथ अवसर की भी समानता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबर का अवसर है। बाकी पार्टियों में एक खास परिवार के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास खानदान के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास जाति के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, लेकिन यहां पर साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये संभव आप लोगों का है। हमारी पार्टी गांव की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, वंचित की पार्टी है, दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? मुझे बताया गया कि अभी मैंने जब सदस्यता दिलाई तो हमारे सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें था, यानी भारत के समाज का एक छोटा सा गुलदस्ता देखने का मौका मिला तो इस मंच पर मिला, सब तरीके के लोग हमारे साथ थे। ये राहुल बाबा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहाँ अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है, कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है इसको ये मांग रहे हैं, बताइए भाई ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई मेरा 5 अगस्त 6 अगस्त का भाषण सुन लो, उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी आप लोगों को गुमराह मत करिए, हमने जम्मू कश्मीर को हम जानते हैं, उसके सम्मान को भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर बकरवाल पहाड़ी ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा मेरी बात कान खोन कर सुन लो, बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोल कर जाता हूँ, जितना दम लगा दो गुर्जर बकरवाल पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये मान कर दो। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सालों से गुर्जरों की, हमारे पहाड़ी भाइयों की, हमारे दलित भाइयों की, ओबीसी समाज के कई सारे वर्ग, जाट और ऐसे कई वर्ग जो सम्मिलित है उनकी रिजर्वेशन की मांग थी, इन्होंने नहीं दिया, हमने इसको रिजर्वेशन दे दिया। ये लोग कहते हैं ये रिजर्वेशन पर हम पुनः विचार कर देंगे। आज मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, एक एक पहाड़ी के घर पर, एक एक गुर्जर बकरवाल के घर पर, एक एक दलित भाई जाट भाई के घर पर जाइए और बताइए कि आपका आरक्षण
छीनना चाहते हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। मैं जब राजनीति में नहीं था उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। और कुछ लोग हमेशा हमारी मजाक उड़ाते रहे हैं। जब संसद में हमारे दो सदस्य थे तब भी इतना भद्दा मजाक हमारे लिए उड़ाया गया था। कुछ लोगों का चरित्र ही ऐसा होता है और उनको लगता है कि ऐसा करने से वो बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसी सब प्रकार की आलोचनाओं को झेलते हुए जन सामान्य के कल्याण के लिए समर्पित होकर के नेशन फर्स्ट की भावना को जीते हुए हम चलते ही रहे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। एक तरफ रोड रेल नेटवर्क का जाल बिछाया है, वहीं छोटे शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी दी है। 2014 से पहले जो हवाई यात्रा आम नागरिकों के लिए एक सपने की तरह हुआ करती थी, आज वहां तक आम नागरिकों की पहुंच आसान हो गई है। इसी के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक की शुरुआत कर आम लोगों को सहूलियत दी है, जिसके तहत छोटे शहरों में रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। पीएम मोदी के विकसित भारत और सबका साथ सबका विकास का विजन का उदाहरण भारत का एविएशन सेक्टर है, जहां पिछले 10 वर्षों में देश के अलग अलग शहरों में 75 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज देश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे भारत में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंच रहे हैं। देश में 2024 जनवरी से मई तक 40.72 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत पहुंचे, साथ ही विदेशी मुद्रा आय 17,762 करोड़ रुपए रही। 10 साल पहले भारत के पास केवल 400 विमान थे, जो आज बढ़कर 713 हो गए हैं। देश में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में उड़ान योजना कामयाब रही है, जिसको देखते हुए एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने की तैयारी की गई है। उड़ान योजना के तहत 519 मार्गों पर 2.56 लाख उड़ान सेवाएं शुरू की गईं, जिनमें 53 पर्यटन और 48 हेलीकॉप्टर मार्ग शामिल हैं, जिससे 1,33,86,000 से अधिक यात्रियों को लाभ मिला है। पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट
पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। एविएशन सेक्टर में पिछले एक दशक में हुई मजबूत ग्रोथ के कारण अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और पुराने हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का लाभ मिले, साथ ही लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में भी आसानी होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बीते 10 सालों में किए गए ये सारे काम बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का एविएशन सेक्टर नई उड़ान भर रहा है।